नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में लम्हुआ कोतवाली के भतेड़ा गांव के पास एक अज्ञात पिकअप ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया तो वहीं दूसरे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाल अखंड देव मिश्र ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मृतक युवक की पहचान की जा रही। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में बहादुरपुर मजरे रास्ता मऊ में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। मृतक युवक की पहचान दिनेश के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दिनेश का पैर 6 महीने पहले टूट गया था और वो वाकर के सहारे चल रहा था। अमेठी के थाना मुसाफिर खाना पुलिस ने दो अभियुक्तों को मझगवा नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 तमंचा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में तलाकशुदा पति अपनी पहली पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा और ब्लैकमेल के दौरान उसने प्राइवेट फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी दी है। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के गांव में 3 तलाकशुदा महिला के व्यक्तिगत फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में क्षेत्राधिकारी अजय कुमार सिंह ने इस मामले में विधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अमेठी में आबकारी टीम ने गौरीगंज थाना के चतुरपुर गांव में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और मौके से 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते 250 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया है। अमेठी के जायज थाना पुलिस ने नजीर ख्वाजगान को चंद्रा अस्पताल के पीछे पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 1 देसी तमंचा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बहराइच के हरदी थाना पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीम से 1 वारंटी अभियुक्त और 2 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर पेशी के लिए न्यायालय रवाना किया। लखीमपुर खीरी में शनिवार की सुबह बस स्टैंड पर एक बस अनियंत्रित होकर बंद होटल में घुस गई। इस दुर्घटना में किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। रामपुर में उड़नदस्ता पुलिस ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चेकिंग के समय 14,49,210 रुपए की बरामदगी की। इस संबंध में रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी दी। रामपुर की शाहबाद थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया के सामने आकर जानकारी दी। रामपुर की मिलक थाना पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 किलो अफीम भी बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मेरठ में दबंग द्वारा हमले की शिकायत पर पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। गन्ने के बीज नहीं दिलाने पर दबंग ने घर में घुसकर पीड़ित पर जानलेवा हमला किया। पीड़ित को गंभीर चोटें आई, लेकिन पुलिस शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरठ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरा कर धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरठ में मध्य प्रदेश की युवती को नौकरी का झांसा देकर आरोपी लगातार 3 साल तक दुष्कर्म किया। किसी तरीके से आरोपी के चंगुल से बचकर युवती ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र में चुनावी रंजिश के दौरान दबंगों के डर से पीड़ित परिवार ने एसपी से अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा और इंसाफ की गुहार लगाई है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।